Alexa, good morning. Good morning. Here's a fun trick. To learn something new quick, every day, just say, learn with limericks. No thanks. Fuck off. बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। यार व्लॉग शूट करना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है क्योंकि ऑफिस स्टार्ट हो गया है, सो सुबह से रात तक वहीं पर ही घिसाई चलती है। मजे की बात यह है कि घर पर भी घिसाइयां चल रही है बहुत। तो मैं रूम का हाल दिखाता हूँ, ये देखो, यहीं पर ही कपड़े सूख रहे हैं, यहीं पर ही बीन बैग पड़ा है, सब कुछ फैला हुआ है, सब कुछ फैला हुआ है। ये नहीं, बाहर भी दिखाता हूँ मैं आपको, बाहर भी ऐसी तैसी हो रखी है। अब देखो सारे पर्दे उतर चुके हैं, सारी पुटियाँ हो रही है, तो घर का तो कुछ यही हाल हो रखा है इस टाइम पर कि अभी बहुत ही ज्यादा गंद मचा हुआ है क्योंकि वो आने वाली है दिवाली कुछ ही महीनों में, और उस टाइम बहुत हेक्टिक हो जाता है यार ये सब चीजें करवाना। तो अभी हम सब करवा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन में हो जाएगा। अभी तो आंखें भी सूजी हुई है, नया नहीं हूँ, सिर्फ एक्सरसाइज करिए, बाल गीले हो गए पूरे के पूरे पसीने से। बस अब चलते हैं, रेडी होते हैं, नाश्ता करते हैं, निकलते हैं ऑफिस की तरफ, और वहां पर अगर मेरे को कुछ मिला तो पक्का दिखाऊंगा यार, आगे कंटिन्यू तो करना ये ब्लॉग। चलो अभी चलता हूँ, है ना, लेट हो जाऊंगा मैं, 8:30 बज चुके हैं, लेट हो जाऊंगा मैं एज यूजुअल, हर जगह जैसे लेट हो ही जाता हूँ मैं। खाना आ चुका है, ये अपना ब्रेकफास्ट है, ये भी अपना ब्रेकफास्ट है, ये अपना लंच है, ठंडा होने के लिए रखा हुआ है ताकि गरम गरम बैग में ना डालना पड़े। दिस इज राजमा, उबले हुए प्याज टमाटर बताओ अपने करी और नींबू, तो अभी ये खाते हैं और पार्किंग लॉट में खड़ा हूँ। मास्क पहनेंगे, ग्लव्स पहन ही लिया है ना, और फिर चलते हैं ऊपर और फिर थोड़ा सा काम करते हैं और फिर बात करते हैं। भाई अब ब्रेक मिला है थोड़ा सा मेरे को, यहाँ तो बहुत हालात खराब है, मतलब कि कॉर्पोरेट लाइफ इतनी खराब हो चुकी है ना, मतलब कुत्ते घोड़े बिल्ली की तरह काम करवाते रहो पर पे साला कुछ करो। सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे को अभी हो रही है वो हो रही है ये मास्क और ये ग्लव्स की। क्या होता है ना, ग्लव्स और मास्क के साथ नहीं चलती चीज़ें भाई, ऐसे नाक लाल हो चुकी है ना, ये देखो नाक देखो इतनी ज़्यादा लाल हो चुकी है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। 9 घंटे तो छोड़ो, 9 घंटे तो बहुत दूर की बात है, 6 घंटे ही नहीं काटे जा रहे हैं, सारी कैंटीन वगैरह सब बंद पड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ कोरोना के चक्कर में, और लोगों को चैन नहीं है, अभी भी बुलाए जा रहे हैं। दिक्कत सबसे बड़ी यही है, इस ऑफिस की बस एक ही बात अच्छी है कि इसका व्यू बहुत सही है, लेकिन व्यू का भी घंटा चार डालना है जब साली इतनी गर्मी पड़ी हुई है। लेकिन तुम्हें मैं व्यू दिखाता हूँ, तो व्यू देखो तुम पता लगाओ कि ये ऑफिस है। Few moments later. अब व्लॉग जो है वो तो आप पढ़ ही चुके होंगे टाइटल में कि व्लॉग जो है वो पहला दिन कैसा रहा मेरा ऑफिस का। यार कुछ सीन नहीं है, सारे वैसे ही है, बस ये हो गया कि जहाँ एक डेस्क पर 4 लोग बैठते थे वह अब 2 बैठते हैं, और आपको 24 आवर्स अगर आप ऑफिस में हो या 8 घंटे या 9 घंटे जितने भी आप ऑफिस में हो उतनी देर आपको मास्क पहनना है और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेनी है, तो उसके बाद आप ये ग्लव्स पहन सकते हैं जो कि बहुत ही इरीटेटिंग चीज़ है, जिससे आपका ना फ़ोन चलता है ना कुछ चलता है, बस आपका कीबोर्ड चलता है और कुछ नहीं, मतलब कि थोड़े टाइम के बाद आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाएगी मास्क की। एंड इट डजेंट डिपेंड ऑन योर मास्क क्वालिटी, आप कॉटन का ले लो, सिंथेटिक ले लो या जो मर्जी ले लो यार, आपको दर्द होएगी ही होएगी, नाक में दर्द होना चालू हो जाएगा, और आपके अगर मेरी तरह बियर्ड है तो माय गॉड मैन, क्लीन शेव हो जाओ अगर अच्छा लगता है तो, मैं तो बिल्कुल बकवास लगता हूँ इसलिए मैं क्लीन शेव होता नहीं, तो आई विल रिकमेंड कि भाई क्लीन शेव हो जाओ। मास्क और दाढ़ी का कॉम्बिनेशन बहुत ही बकवास है, और अभी तो आज तो बहुत गर्मी भी हो रही है और सालों ने काम भी इतना दे रखा है, चूस रहे हैं यार। मतलब कि कॉर्पोरेट लाइफ में क्या हो गया ना, मैंने जो नोटिस करा है वो ये हो चुका है कि पहले जो था आप 9 बजे आओ 6 बजे चले जाओ, है ना, और 9 के 10 भी हो गए तो इतना कुछ है नहीं क्योंकि IT में इतना कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर अब आपने 9 से 9:05 करा तो बोलते हैं फिर आओ भी इनकी मर्ज़ी से और जाओ भी इनकी मर्ज़ी से, 8-9 घंटे की शिफ्ट तो रह ही नहीं गई है बिल्कुल, है ना। हालात देखो बालों के बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, हालात बहुत बुरे हो चुके हैं बालों के। अब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इतने टाइम बाद ऑफिस आने का, ऑलमोस्ट 8 महीने बाद मैं ऑफिस आ रहा हूँ, 6 से 8 महीने बाद मैं ऑफिस आ रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रसा है कि यार फोबिया सा हो गया मेरे को टच करने का, मतलब कि लोग मेरे पास बैठे होते हैं तो मेरे को फोबिया होता है कि
कि मेरे को टच ना हो जाए या मैं किसी पर टच ना हो जाऊँ। अलग अलग टाइप के सैनिटाइजर लेके घूमने पड़ते हैं कि एक स्प्रे वाला होना चाहिए कि अगर मैं कहीं बैठूँ या कोई छू तो वो करूँ, और फिर एक वैसे नॉर्मल लिक्विड वाला होना चाहिए सैनिटाइजर। तो ये जो थी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मेट्रो भी खुल रही है, तो अभी तो ये बिफोर मेट्रो है, अगर मेट्रो में जाऊँगा तो वो भी आपके साथ मैं ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अपना कि वहाँ पर क्या हालात हो रखे हैं इस टाइम पर, और आफ्टर लॉकडाउन मेट्रो के क्या हाल है, क्या फेयर है, या क्या जो भी नई गाइडलाइंस रिलीज करेगा गवर्नमेंट वो क्या है। तो अभी तो फिलहाल यही है यार कि बाकी सब तो नॉर्मल है, काम तो उतना ही है, आई गेस काम ज़्यादा है बल्कि, ठीक है यार बस अब आ सकते हो। अगर आप अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो ना तो सबसे बढ़िया चीज़ कर रहे हो यार, ऐश करो, बिल्कुल ऐश है। उसके अंदर चाहे 17 घंटे भी काम करवा लेना, तो वो 17 घंटे नहीं होते यहाँ पे, साले 9 घंटे, मतलब 9 घंटे काम होता है, चेंज हो चुका है। पहले मैं बोलता था कि अगर 9 घंटे की शिफ्ट है तो उसके अंदर काम होता है 4 से 5 घंटे और 2-3 घंटे का ब्रेक, अभी हालात नहीं रहे, अब सब चेंज हो गया। अब साले सबको कंपनसेट करना है जो कि 6-7 महीने में लॉस हुआ है, और ऑल द लॉस हुआ नहीं है इनको कुछ, सारी पकचोदी है। सुबह बन के आओ हीरो और एंड तक बिल्कुल झमूरे से बन जाओ, बाल इधर जा रहे उधर जा रहे, अब पता है ग्लव्स से ना फोन चलता है ना आप दाढ़ी बाल सेट कर सकते हो, तो बालों में हाथ डालोगे ना बिल्कुल ऐसे चिपचिपे से हो जाएंगे, ऐसे टूटने लग जाएंगे, जैसे ये नहीं होते अपने अघोरी बाबा वगैरह, बिल्कुल वैसे बाल हो जाते हैं, तो वो भी बकवास है बिल्कुल। तो यार कोरोना की कोई चीज़ अच्छी तो है ही नहीं जो मैं बोलूँ, लेकिन ठीक है अब आई थिंक दिस इज़ द न्यू नॉर्मल फॉर मी एंड एवरीबडी हु इज गोइंग टू द ऑफिस आफ्टर दिस लॉकडाउन, तो वी हैव टू गेट यूज टू इट ना, वी आर गेटिंग यूज टू इट। तो अभी तो मैं अंदर जा रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने क्योंकि क्या अब ब्रेक नहीं लूँ साले सुबह से काम करता रहूँ। चलो मैं अंदर जा रहा हूँ, ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही ख़त्म, और आप अगर ऑफिस जा रहे हो तो आप बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि मेरे जैसा रहा या मेरे से अलग रहा।